तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, जो जो कल 16 मार्च को लखनऊ बेंच में सुनवाई है, उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लेखपाल के संबंधित तो और UPSSC कोई अन्य वैकेंसी के संबंधित जो कुछ भी अपडेट होती है, चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी जा रही है और दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ बेंच को लेकर। जिस प्रकार से आपने देखा, मेरी काफ़ी समय से कोई वीडियो देखने को नहीं मिली है, क्योंकि हम सुबह से इंतजार कर रहे थे कि जो सीरियल नंबर कहीं नहीं कि जारी होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर साथ ही उसी पर हम बात करने वाले हैं, सीरियल नंबर अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ, क्या सुनवाई वगैरह कल होगी या नहीं होगी, तो इन सारे बिंदुओं हम चर्चा करने वाले हैं। और नई डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, और नई डेट कौन सी होगी, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने, आप यहां पर देख सकते हो, 15 तारीख है और 6:47 पर इसका स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, अभी मैंने चेक किया, काफ़ी समय से मैं सुबह से चेक कर रहा हूं, मगर आप यहां पर देख सकते हो कोई भी डेट नहीं मिली है। ठीक है, इसे अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। मगर साथियों, आपको बता दूं, इसको मैंने थोड़ा चेक किया, इसकी कॉज लिस्ट वगैरह चेक की, जो पेटिशनर हैं वो यानी कि राहुल कुमार के नाम से भी मैंने चेक किया, ठीक है, और जो जो गौरव महत्रा हैं, ठीक है, इनके नाम से भी मैंने चेक किया, यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि जो एडवोकेट हैं, ठीक है, रेस्पोंडेंट, उनके नाम से भी चेक किया। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपका केस है, कल की लिस्ट में मतलब लिस्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये है यानी कि इनका नाम है यानी कि जो राहुल कुमार से मैंने चेक किया है, जो आपके यानी कि जो पेटिशनर है, ठीक है, तो इनके नाम से मैंने चेक किया। तो यहाँ पर जो आपका केस है कहीं नहीं लिस्टेड है, मगर अभी तक जो इसको केस को लिस्टेड नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि वैसे मेरे हिसाब से लगभग जो सुनवाई वगैरह होती थी, जो कोर्ट नंबर 5 में होती, जिस प्रकार से पिछला जो अपडेट था तो उसमें भी मैंने चेक किया, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यानी कि जो गौरव मेहरोत्रा, ठीक है, इनके में देखा, मगर इनके भी में कहीं भी केस लिस्टेड नहीं किया गया, ठीक है, कहीं भी केस लिस्टेड नहीं किया गया। 7663 आप देख सकते हो, मैंने दिखा दिया आपको जितना भी था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, मगर यहाँ किसी में लिस्टेड नहीं किया गया। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं, जो केस वगैरह आपको लिस्टेड क्यों नहीं किया गया और इसकी सुनवाई वगैरह कल होगी या नहीं होगी। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दूं, जैसा कि पहले आपको पता था कि जो भी लखनऊ बेंच में सुनवाई होती थी, लगभग एक दिन पहले उसका सीरियल नंबर वगैरह जारी कर दिया जाता था, ठीक है, तो उस अभी तक सीरियल नंबर वगैरह जारी नहीं किया गया, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद लग रही है कि जो सीरियल नंबर अभी तक जारी नहीं किया गया, तो मुझे नहीं लगता है जो कल सुनवाई होने वाली है कि नहीं होने वाली, आपको बता दूं, कंफर्म नहीं कह सकते, हालांकि रात में भी साइट पर अपडेट कर दिया जा सकता है, ठीक है। मगर आपको बता दूं, कल अब जो सुनवाई के चांस बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम लग रहे हैं, जो कुछ भी था मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा महीना चला गया, यानी कि मार्च का महीना, अगर आपको बता दूं, यहां पर हालांकि आपने देखा होगा पिछली सुनवाई वगैरह हम, जैसे शायद मुझे हिसाब से यानी कि ध्यान आ रहा है, तो लगभग पहले 1 मार्च को सुनवाई थी, फिर उसको आगे बढ़ा के 2 मार्च कर दी थी, ये शायद मैं सही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है रात में अगर ये कल जाकर अपडेट कर दें और कोई नेक्स्ट नई डेट दे दें कि इस डेट को उसकी सुनवाई होनी है। और जैसे कि आपने पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो उसकी सुनवाई, जो इलाहाबाद में जो डबल बेंच में सुनवाई चल रही थी, उसकी तो 21 मार्च मिल चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ धोखा है। और अभी बता दूँ, जिस प्रकार से लग रहा था कि मार्च में इन याचिकाओं का जो खंडन कर दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी जो कल सुनवाई होनी थी, उसका सील वगैरह भी जारी नहीं हुआ है। और पूरी उम्मीद है, अगर अगर या तो सील नंबर अपडेट होगा, या फिर आपको बता दूं, यहाँ पर आपको नई डेट वगैरह मिल सकती है, ठीक है। तो चांस तो बहुत कम लग रहे हैं, जो कल सुनवाई होगी तो नई डेट मिलने वाली है। और जो कुछ भी होगा, चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और आप देख रहे हो, लगातार चैनल के माध्यम से लेखपाल से संबंध कोई भी अपडेट होती है, इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मगर आपको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो, मगर अभी भी जो डेट मैंने इसे यानी कि डाउनलोड किया, स्क्रीनशॉट के लिया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, जो अभी भी 7663 की जो डेट है, अभी भी 16 मार्च को ही दिखा रहा है, ठीक है, 16 मार्च ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, और जो कुछ भी अपडेट होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। मगर कल की सुनवाई, बहुत कम चांस लग रहे हैं कि कल जो सुनवाई वगैरह होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। और मेरा पूरा विश्वास है, मैं आपको बता दूँ, इस चैनल के माध्यम से लगातार आप बहुत सारे अभ्यर्थी यहीं की नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैंने कल की सुनवाई के बाद यानी कि जो 14 तारीख को सुनवाई थी, उसके शाम के वीडियो बनाई थी कि रिजल्ट वगैरह आपको बता दूँ, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ आगे आना पड़ेगा सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी लेखपाल के साथी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सारी चीज़ चल रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिजल्ट आपका अप्रैल में भी देखने को मिल जाएगा या आगामी जो भी महीना आ रहा है उसमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ एक होप लगाए हुए बैठे हैं, यानी कि जनवरी से फरवरी चलेगा, फरवरी से मार्च भी आपको बता दूँ कहीं ना कहीं समाप्त होने को जा रहा है और हो जाएगा। तो आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें, और अब कुछ भी चांस नहीं लग रहे हैं कि जनवरी में जो याचिका वगैरह निस्तारण, हालांकि होने को एक डेट में हो जाएंगे, आपको बता दूँ,
अगर याचिका यानी मतलब निस्तारण करना होगा तो एक डेट में सब कुछ कर सकते हैं, मगर चांस बहुत कम लग रहे हैं कि ये मार्च में भी ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लग रहा है कि जो भी पिछले महीने गुजरे हैं तो उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि मार्च में भी कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था, वीडियो आप देख भी सकते हो जाके, कि कहीं ना कहीं या तो हमें ट्विटर कैंपेन करना चाहिए इसके लिए, या अभी सब साथियों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 28 पर भी गए थे, आपको बता दो इन सारी चीज़ों से हमें शांतिपूर्ण तरीका से कहीं ना कहीं दबाव बनता है ऊपर, कि लगभग 8 महीने हो चुके हैं हमारा रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा, और वैकेंसी का रिजल्ट आ रहा है, लेखपाल का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, और पैट 2021 से भर्ती है, पैट 2022 भी हो गया, उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। अब लगभग आपको पता है पैट 2023 की भी तैयारी हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए और सभी साथियों को साथ आने चाहिए। और अगर आप जितने भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कमेंट वगैरह करेंगे तो आपको बता दूँ सभी साथियों से संपर्क करके कहीं ना कहीं इसके लिए ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं एक डेट निश्चित की जाएगी और उस पर कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। तो आपको बता दूँ अगर ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं सफल रहता है, हाईलाइट रहता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा कि लेखपाल को जारी हो सकता है, ठीक है। मगर आपको बता दूं अभी जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, चाहे वो सीए नंबर अपडेट हो या नई डेट मिली हो, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आप विश्वास कर सकते हो चैनल के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है विद प्रूफ बताया जाता है, ठीक है। तो बस यही बताना था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।